तो दोस्तों आप अपने इमेज पर लिरिक वीडियो कैसे बना सकते हो, और दोस्तों 2-3 मिनट में अच्छी से अच्छी वीडियो कैसे बना सकते हो, ये आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो पर स्वागत है। और दोस्तों मेरे चैनल का नाम है आरके टेक्निकल। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइज हमारे चैनल पर ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड और मजेदार वीडियो आगे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इनशॉर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। दोस्तों प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से आपको ये मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। दिए वीडियो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और दोस्तों या प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है, और दोस्तों या फोटो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों जिस वीडियो पर आपको वीडियो बनाना है उस वीडियो को या उस इमेज को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल सा दोस्तों मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों आई से आपको 4-5 इमेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों यह टिक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपल सा दोस्तों मैं कुछ इमेज ऐड कर लेता हूँ, और दोस्तों या प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपल सा देख सकते हैं वो इमेज यहाँ पर सारे शो हो गए। और दोस्तों आपको इफेक्ट लगाने के लिए पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है, तो यह सारे इफेक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सारे इफेक्ट देख सकते हो। यहाँ पर आप एक एक करके इमेज पर आपको ये इफेक्ट लगा देने हैं। तो सिंपल सा दोस्तों मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सारे इफेक्ट यहाँ पर, तो आप जैसे आपको पसंद है वो आपको यहाँ पर लगा लेने हैं इमेज पर। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सारे इफेक्ट यहाँ पर। और दोस्तों हर एक इमेज पर ऐसे ही इफेक्ट आपको लगा लेने हैं। तो दो फिर से यह पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कर दीजिए, फिर से यहाँ पर इफेक्ट आपको कौन सा भी एक लगा लेना है। तो ऐसे सारे इमेज पर आप इफेक्ट लगा लेने के। और दोस्तों सारे इमेज पर ऐसे ही एक एक करके आपको इफेक्ट लगा लेने के हैं। और दोस्तों इफेक्ट लगाने के बाद आपको यह म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों आपको जिस सॉन्ग ऐड करना चाहते हो उस सॉन्ग को यह सेलेक्ट कर लेना है, या माय म्यूजिक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों ये सॉन्ग ऐड करना चाहता हो तो इस सॉन्ग को आपको ऐड कर देना है। तो सिंपल सा देख सकते हैं ये सॉन्ग ऐड हो गया। और दोस्तों यह सॉन्ग का एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के लिए फ्लिप के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद या डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, तो वो पार्ट कट हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं यह सारे इमेज पर हमने आप इफेक्ट लगा दिए हैं। तो दोस्तों आपको यह सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जिस क्वालिटी का सेव करना चाहते हैं वीडियो उस क्वालिटी को यह सिलेक्ट कर लेना। तो सिंपल से 3 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना चाहते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो गया। और दोस्तों वीडियो डाउनलोड होने के बाद आपको बैक आ जाना है। और दोस्तों फिर से यह बैक आ जाना है। और दोस्तों यह ड्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको वीडियो पर क्लिक कर देना, और यह प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना। और दोस्तों जिस वीडियो को आपने डाउनलोड किया था उस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, और यह प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों देख सकते हैं वो वीडियो यहाँ पर शो हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो पर आप इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं, दोस्तों यह फिल्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यह 2 नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इफेक्ट वाले। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे इफेक्ट यहाँ पर शो हो गए। दोस्तों आप कौन सा भी ये इफेक्ट लगा सकते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप कौन सा भी एक चॉइस करके आप अपने पसंदीदा इफेक्ट कोई भी लगा सकते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों मैं एक इफेक्ट लगा लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे इफेक्ट हैं। तो सिंपल सा दोस्तों ये इफेक्ट मैं लगा लेता, तो ये आप प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। और दोस्तों इफेक्ट अपनी वीडियो में ही वो ऐड हो गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों वीडियो दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो सिंपल सा देख सकते हैं दोस्तों ये वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो में आप सॉन्ग का लिरिक कैसे ऐड कर सकते हैं, तो यह टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उस सॉन्ग के लिरिक आपको यहाँ टाइप कर देना है। दोस्तों सिंपल सा मैं टाइप कर लेता हूँ। अब
और यह टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं वो लिरिक यहाँ पर ऐड हो गया है। तो दोस्तों यह अच्छे से आपको यह लगा देना है। और दोस्तों यह टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यह बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप बॉर्डर का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, मैं करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर गाइस आप कलर भी बड़ी सिंपल तरीके से चेंज करते हैं। सो दोस्तों आपको ऐसी आपको एक एक करके लिरिक्स यहाँ पर ऐड कर देने हैं। तो सिंपल सा दोस्तों। और दोस्तों आप टेक्स्ट को कैसे रिपीट लगा सकते हैं, तो यह टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों यह तीन नंबर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे रिपीट आएंगे। तो दोस्तों आप कौन सा भी एक सेलेक्ट करके आप रिपीट ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल सा देख सकते हैं दोस्तों कितना औसम लग रहा है वीडियो। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अपनी वीडियो कैसे एडिट हो गई। तो सिंपल सा दोस्तों मैं यहाँ प्ले कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अपनी वीडियो कितनी औसम लग रही है देखने में। और दोस्तों आपको यह सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जिस क्वालिटी में आपको सेव करना है उस क्वालिटी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल सा दोस्तों मैं यह तीन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों डाउनलोड होना वीडियो शुरू हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।